इस्तकबाल है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। दोस्तों बात करेंगे उड़ीसा आलमी इज्तमा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा आलमी इज्तमा के अंदर जो है तो जुमा के दिन से ही इज्तमा शुरू हो चुका है। बाद नमाज जुमा के बाद से ही जो है तो वहाँ पर पिंडाल भरना शुरू हो चुका था और बहुत ज़्यादा पिंडाल की मज़ीद ज़रूरियात वहाँ पर महसूस हो रही थी। वैसे ही मैं आपको बता दूँ जिस तरह से ये इज्तमा के अंदर तैयारियाँ चल रही थी, ये अपने तौर पर एक मिसाली इज्तमा हो सकता है उड़ीसा के अंदर। जिस तरह से औरंगाबाद के अंदर बड़ा इज्तमा हुआ था, कुरनूल के अंदर बड़ा इज्तमा हुआ था, भोपाल के अंदर बड़ा इज्तमा हुआ था, लगभग हालात उससे ही जैसे हैं या फिर उससे भी अच्छे हैं। यहाँ पर जो है तो लाखों की तादाद में बंदगाने तौहीद के लिए जो है तो बंदोबस्त किया था गया था। और अब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितना पिंडाल बनाया गया था, जितना लगाया गया था उनके लिए स्टेज के पास से लेकर, तो पूरा मजमुआ यहाँ पर पहुँच चुका है और पिंडाल फुल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पिंडाल फुल हो चुका है और जो दुकानें लगाई गई थी वहाँ तक भी लोग पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो है तो पंडाल अभी भी लग रहे हैं और बहुत सारी जगह अभी भी खाली हैं जिसको पूर करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि और आने वाले दिन के अंदर जो आखिरी दिन होगा उसके अंदर भी लोग यहाँ पर दुआ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने वाले हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर का जो पंडाल है पूरा फुल हो चुका है और अब ज़्यादा जो मज़ीद जगह यहाँ पर जो है तो है नहीं, तो फिर भी लोग यहाँ पर आते रहेंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस इज्तमा के अंदर जितनी बरकत अल्लाह ने दिया है उतनी ही बरकत हमारे दीन के अंदर दे, आमीन ज़रूर कमेंट कर दीजिए रहेगा, ताकि दोस्तों हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडाल फुल हो चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो तो उम्मत मुस्लिमा पहुँच चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके पास। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआ में मुझे याद रखिएगा।